बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और उनसे कहने लगा कि है मूसा, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी रसालत के लिए चुना और कलीम बनाया है। मैं भी अल्लाह की मखलूक में शामिल हूँ, मुझसे गुनाह सरजद हुआ था, मैं अब तोबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह से मेरी सिफारिश करें कि वो मेरी तोबा को कबूल फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सिफारिश की और कहा कि है अल्लाह, शैतान अब तोबा करना चाहता है, आप उसको बख्श दें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि है मूसा, शैतान से मेरी नाराज़गी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से है। उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, सो अब अगर वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाए और कब्र को सजदा कर दे तो मैं उससे राज़ी हो जाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को बताया कि अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाओ और वहाँ पर जाकर सजदा करो और अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। शैतान कहने लगा कि मैंने आदम को उनकी ज़िंदगी में सजदा नहीं किया, तो अब उनकी कब्र पर जाऊँ और सजदा करूँ, ये कभी नहीं हो सकता, इस तरह मैं माफ़ी नहीं चाहता। शैतान को माफ़ी का एक मौका मिल रहा था, उसने उसे भी गंवा दिया। एक दफ़ा शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। आप अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया कि ये तो बताओ कि वो कौन सा काम है जिसके करने से तू इंसान पर गालिब आ जाता है। उसने जवाब दिया कि जब आदमी अपनी ज़ात को बेहतर समझता है और अपने अमल को बहुत कुछ ख्याल करता है और अपने गुनाहों को भूल जाता है तो मैं उस पर गालिब आ जाता हूँ। है मूसा, मैं आपको ऐसी तीन बातें बताता हूँ जिससे आपको डरते रहना चाहिए। पहली बात यह है कि कभी तन्हाई में किसी औरत के साथ ना बैठना, क्योंकि जब कोई शख्स तन्हाई में किसी गैर महरम औरत के साथ बैठता है तो उसके साथ तीसरा मैं शामिल हो जाता हूँ, यहाँ तक कि उसको फितने में भी डाल सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह से कोई वादा करो तो उसे हमेशा जल्दी से पूरा करो, क्योंकि जब कोई अल्लाह से वादा करता है तो उसका हमराई मैं ही होता हूँ, यहाँ तक कि उस शख्स और वफाए ऐद के दरमियान हायल हो जाता हूँ। तीसरी बात यह है कि जो सदका निकाला करो उसे जारी किया करो, क्योंकि जब कोई सदका निकालता है और उसे जारी नहीं करता तो मैं उस सदका और उसके पूरा करने के बीच में हायल हो जाता हूँ। ये कहकर शैतान चल दिया और तीन बार कहा कि अफसोस, मैंने अपने राज की बातें मूसा को बता दी, अब वो बनी आदम को ये बातें बताएगा और उन सब को डराएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।